Hi guys, welcome back to my YouTube channel. और आज है Thursday, tomorrow it's लक्ष्मी पूजा according to Bengalis. So अभी मैं और मम्मी थोड़ा बाहर जा रहे हैं बाजार. कुछ सामान चाहिए, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ्स वी नीड टू गेट. सो यस, वी आर गोइंग आउट एंड ऑल्सो आई विल शो यू गाइज वेयर वी आर गोइंग. सो लेट्स गो एंड दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ लक्ष्मी पूजा व्लॉग. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. आज प्लान बना है कि हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं. सो हम दोनों ने अभी तक लंच नहीं किया है एंड अभी थोड़ा सा लग रहा है भूख. अभी टाइम हो रहा है 3:45. मम्मी पी रहे अमूल लस्सी एंड चीज. ठंडा फाइनली वी आर डन विद आवर फर्स्ट वॉक एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट सम नाइस कर्टेन्स. अभी हम लोग जा रहे हैं बिग बाजार. पता नहीं बिग बाजार का क्या हालत होगा क्योंकि पूजा से पहले मैं एक दिन गई थी, उस टाइम बहुत गंदा हालत था. सो लेट्स गो क्योंकि मुझे जो सामान अभी चाहिए, बेसिकली आई नीड सम यूटेंसिल्स टू जो मैं वो क्या बोलते हैं इसको इंडक्शन ओवन में यूज़ कर सकती हूँ. सो येस, लेट्स गो एंड चेक आउट. अगर मिलता है तो सही है, नहीं तो थोड़ा और घूम के ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर मिलता है. So yes, let's go. So we just came in Big Bazaar. Fortunately, everything is well organized today. So let's see. जो हम लोग को चाहिए वो मिलता है कि नहीं. Unfortunately, यहाँ पे कुछ मिला नहीं जो हम लोग को चाहिए था. सो लेट्स गो अराउंड एंड चेक समवेयर एल्स. Meanwhile, I was checking few dresses for Soha because मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ अगर बच्चों का कुछ ड्रेसेस दिख जाए तो लाइक आई कम्प्लीटली गेट स्टक देयर. सो येस, आई वॉज चेकिंग फ्यू ड्रेसेस फॉर हर एंड इफ यू डोंट नो हु इज सोहा, शी इज़ माई लिटिल नीस एंड आई फाउंड दिस प्यारा सा क्रॉप टॉप इन नियॉन कलर. মেজিকটা ভালো লাগছে, ভালো লাগছে মেজিকটা. Finally, I'm back home. अभी बस हैंड वॉश करके ड्रेस चेंज करके आई हूँ. अभी करना है फेस वॉश और जो भी काम हम लोग करने गए थे वहाँ वो सब कुछ हो गए और वी आर ऑल सॉर्टेड. और अभी मैं बैठूँगी खाने. वी विल हैव आवर लंच. इट्स ऑलरेडी 6:30. सो वी विल क्विकली हैव आवर लंच एंड आई विल कैच यू गाइज लेटर. गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे इट्स फ्राइडे एंड इट्स लक्ष्मी पूजा. बेसिकली अकॉर्डिंग टू बंगालीज इस बार दो दिन मिला है. सो वी सिलेक्टेड टू डू टूडे बिकॉज कल दीदी लोग करे अपने घर में. सो दे वोंट बी एबल टू कम एंड येस वी विल ऑल एन्जॉय टुगेदर एंड आई विल शो यू गाइज एवरीथिंग. सो अभी मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई और नाउ आई एम क्विकली गोइंग सो दैट आई कैन हेल्प माई मॉम एंड टुडे आई विल मेक द भोग. वेरी सिंपल वे आर गोइंग टू मेक. तो अभी हम लोग जाते हैं एंड अभी टाइम हो रहा है दोपहर का. लाइक शाम तक तो लाइक शाम तक पूजा स्टार्ट हो जाएगा. सो अभी मैं क्विकली जाती हूँ एंड आई विल शो यू गाइस क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ सब कुछ. सो लेट्स गो. अभी मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ हाउ थिंग्स आर गेटिंग रेडी. सो बेसिकली ये पूजा का मंदिर है, आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे अभी सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि मम्मी सब कुछ रेडी कर रही है. सो मेसी अराउंड बट इट्स ओके. और ये है लाइक इट्स अ पैंट्री रूम यू कैन से, मतलब जो भी भगवान का भोग बनता है यहाँ पे बनता है. हियर इज द सेटअप. यहाँ पे होगा पूजा. मम्मी ने सब कुछ किया है, अभी तक कंप्लीट कुछ हुआ नहीं है, बस स्टार्ट की है. सो यस,
डाइड माई हेयर्स, अब भी मैं स्टार्ट करूँगी चॉपिंग करना। यहाँ पे मैंने काट लिया है पत्ता गोभी और आलू। इस आलू से मैं थोड़ा सा डालूंगी पत्ता गोभी में, थोड़ा सा बनाऊंगी आलू फ्राई। सो मैं भी बनाऊंगी लूची। सो लूची के लिए पहले मैदा को अच्छे से भून लूंगी। तो ये बंगाली से पूरी है, सो ये बेसिकली बनता है पूरा मैदा से। तो यहाँ पे मैंने लिया है अराउंड 800 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर, दैट इज मैदा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें मैं क्या क्या ऐड, इस पर मैं पहले ड्राई इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर देती हूँ। सो Somehow the audio of this particular clip really didn't came well, so I thought of explaining you guys through voiceover. So for 800 grams of all-purpose flour, that is maida, I have added 2 to 3 teaspoons of salt, yani ki 2 se 3 chote chamach ki namak, then 2 teaspoon of sugar, yani ki 2 chote chamach chini, because ye puri thoda sa meetha achha lagta hai, ek proper balance hota hai actually salt and sugar ka. Uske baad maine add kiya hai 1/2 cup of refined oil taki ye पूरी बहुत सॉफ्ट बने। ऑल्सो आई एडेड 1/2 cup ऑफ मिल्क ताकि ये पूरी और भी ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो आपको ऑयल का पता कैसे चलेगा आप कितना ऐड करोगे? तो बेसिकली आप जितना ऑयल ऐड कर दो पहले, उसके बाद थोड़ा सा हाथ में लेके उसको मुट्ठी बनाने की कोशिश करो। अगर ये मुट्ठी अच्छे से बन जाए तो फिर आपका ऑयल क्वान्टिटी एकदम परफेक्ट है, नहीं तो आप थोड़ा और डाल दो, नहीं तो एकदम सॉफ्ट फुल्को लूची नहीं बनेगा। उसके बाद आपको जितना पानी चाहिए प्रॉपर सॉफ्ट डो बनाने के लिए आप उतना डालो। अब लूक वार्म वाटर यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। वंस योर डो इज रेडी, कीप इट फॉर रेस्टिंग एटलीस्ट फॉर 35 मिनट्स। एंड हियर मम्मी इज मेकिंग खोई रुखड़ा। दिस इज सम काइंड ऑफ पफ्ड राइस विद अ कोटिंग ऑफ जैगरी इन इट, एंड दिस इज मस्ट फॉर लक्ष्मी पूजा का भोग। और इसका टेस्ट बिल्कुल वो सीसीडी का जो कैरमेल पॉपकॉर्न आता है बिल्कुल वैसा है। अभी मम्मी बनाने लगी है नारियल का लड्डू, दैट इज नारकोले नारू, एंड दिस इज समथिंग ऑल्सो मस्ट फॉर लक्ष्मी पूजा का भोग। सो इन अ पैन शी इज एडिंग 1 grated coconut। और ये कोकोनट थोड़ा सा इमेच्योर था तो आप देख सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा जूसी बनता है। अब नाउ शी इज ड्राई रोस्टिंग द कोकोनट एटलीस्ट फॉर 10 to 15 minutes, शी विल डू इट। वंस डन शी हैज़ एडेड 2 tablespoons ऑफ क्लेरिफाइड बटर, यानी कि 2 बड़े चम्मच घी मम्मी ने ऐड किया है। एंड नाउ शी विल अगेन स्टार्ट रोस्टिंग द कोकोनट विद दिस घी। एकदम अच्छे से भूनना पड़ेगा अभी घी के साथ नारियल को, जब तक एक प्यारा सा अरोमा नहीं आ जाता है। नेक्स्ट शी इज़ एडिंग सम क्रश्ड कार्डमम, दैट इज़ इलायची। इलायची को थोड़ा सा अच्छे से कूट के उसको ऐड कर दीजिए। इट गिव्स सच अ नाइस फ्लेवर, बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है इससे। नाउ शी इज़ एडिंग 2 to 3 tablespoons ऑफ शुगर, यानी कि 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी। अगर आप चीनी इसमें ज़्यादा कम डालोगे तो इसका बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि आप बना रहे हो कि लड्डू, और अगर ज़्यादा आप डाल रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है। हम लोग थोड़ा सा कम ही डालते हैं, पर उतना डालते हैं कि जिससे ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाए लड्डू का। अभी हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये चीनी पूरा पिघल ना जाए। वी विल कंटिन्यू टू रोस्ट इट अंटिल द शुगर गेट्स डिजॉल्व। और आप देख सकते हो नारियल का कलर काफ़ी हद तक चेंज भी हो गया है, और ये एक के साथ एक चिपक भी रहा है, तो मतलब इसका बाइंडिंग होना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है। अभी इसको हम थोड़ा बहुत और भूनेंगे, एटलीस्ट फॉर 5 to 7 minutes, आफ्टर दैट इट इज़ डन। और जब इसको ग्रेट करोगे, आई मीन व्हेन यू ग्रेट द कोकोनट, ट्राई टू डू इट मोर फाइनली। ये बहुत इमेच्योर था, इसके लिए इसका दाना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये ऑलमोस्ट टेंडर कोकोनट था, ज़्यादा मच्योर नहीं था। अगर आप एक प्रॉपर मच्योर नारियल लोगे तो आप जब इसको ग्रेट करोगे तो ये फाइनली निकलेगा ज़रूर, तो उससे भी अच्छा बनता है। लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत जूसी होता है अंदर से। 5 से 10 मिनट भूनने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी। आफ्टर 5 to 7 minutes ऑफ रोस्टिंग इट इज़ ऑलमोस्ट डन, एज यू कैन सी। अभी मम्मी ऐड करी इसमें 1 tablespoon पाउडर्ड मिल्क। आप ये स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, एक अच्छा सा टेक्स्चर आता है। सो शी इज़ एडिंग 1 tablespoon ऑफ पाउडर्ड मिल्क, एंड नाउ शी इज़ गिविंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स अ नाइस स्टर, सो दैट सब कुछ एक साथ मिल जाए। एंड लास्टली शी इज़ एडिंग हियर 1 teaspoon ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर, दैट इज़ 1 छोटा चम्मच मैदा, ताकि एक अच्छा बाइंडिंग हो। बिकॉज ये टेंडर कोकोनट है तो एक रिस्क रहता है कि लड्डू ना बने, अच्छा बाइंडिंग ना हो, तो इसीलिए 1 teaspoon ऑफ मैदा इज़ नीडेड हियर। एंड इट इज़ कम्प्लीटली रेडी।
अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, ज़्यादा ठंडा होने के लिए मत छोड़िए, नहीं तो लड्डू का शेप नहीं आएगा अच्छा खासा। बस ये जब तक ल्यूक वार्म नहीं हो जाता है। सो नाउ मम्मी इज़ गिविंग ऑल ऑफ दिस अ रफ शेप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था उस टाइम। उसके बाद मम्मी सबको एक एक करके लेके एक फाइन शेप, प्रॉपर शेप दे देंगी। सो इट इज़ ऑलमोस्ट डन, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। एंड यू कैन सी मम्मी कैसे इसको शेप दे रही है, थोड़ा आप देखोगे तो अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को भी अच्छे से आ जाएगा। वैसे अभी नारियल का लड्डू यानी कि नारकोले लाडू तो बन चुका है, मैंने दिखा दिया है पूरा पूरा प्रोसीजर, मैंने दिखाई क्विक इजी रेसिपी मैंने शेयर किया है। अभी जो मैंने जिम्मेदारी लिया हुआ है, आई विल मेक पत्ता गोभी एंड चने का दाल, दैट इज बांधा गोभी एंड छोला दाल। तो मैं भी जा रही हूँ बनाने, और लूची भी मैं बनाऊंगी, पूरा बनाऊंगी। छोला दाल का जो रेसिपी है मैंने पहले आपको दिखा दिया है पहले व्लॉग में, आप प्लीज़ देख लीजिएगा वहाँ से। और मैं आपको अभी दिखाऊंगी क्विक एंड ईजी पत्ता गोभी मैं कैसे बनाती हूँ इन बंगाली स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चला दिया, ये हम लोग का छोटू सा किचन है भगवान जी के लिए, तो आप आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे चरा दिया चने की दाल यानी कि छोला दाल को बॉईल होने के लिए। इसमें मैंने ऐड किया एक तेज़पत्ता और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि तेज़पत्ता से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है दाल पे, मम्मी ने कहा है यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट होने के लिए कुछ मसाला रखा है। यहाँ पे है नाइजीला सीड, दैट इज़ कलौंजी, देन यहाँ पे सौंफ, दैट इज़ फेनल सीड, फेन्युग्रीक सीड्स, दैट इज़ मेथी, क्यूमिन सीड, दैट इज़ जीरा, देन हाफ स्प्लिटेड बे लीफ, दैट इज़ तेज़पत्ता, देन दो सूखे लाल मिर्च, दैट इज़ ड्राई रेड चिली, एंड क्रश्ड गरम मसाला। सो ये मैं एक डिफरेंट प्रोसीजर दिखा रही हूँ, मैंने लास्ट टाइम अपने व्लॉग में छोला दाल का, दैट इज चने दाल का एक डिफरेंट रेसिपी दिखाया था। जस्ट प्रोसीजर डिफरेंट है, रेसिपी ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर आपको वो पसंद है तो वो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसका लिंक। एक्चुअली दिस इज़ परफेक्ट टू मेक इन लार्ज बैच। सो अभी मैं थोड़ा क्वान्टिटी ज़्यादा बना रही हूँ इस टाइम, तो मैं इस प्रोसीजर को फॉलो कर रही हूँ। सो आई हैव ड्राई रोस्टेड ऑल दिस मसालास। नेक्स्ट टाइम एडिंग रिफाइंड ऑयल अराउंड 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मम्मी एकदम ट्रेडिशनल वे सिलबट्टा में पीस रही है अदरक, इससे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। सो यार माई जिंजर पेस्ट इज़ रेडी। नेक्स्ट टाइम एडिंग इन 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर पेस्ट, इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि मैं बना रही हूँ विदाउट एनी टमेटोज। आपको पसंद है टमेटोज तो आप डाल सकते हो, लेकिन उस दिन फ्राइडे था तो हम लोग नहीं डाले इसमें कोई भी टमेटो, किशमिश कुछ भी नहीं। नेक्स्ट गोज़ इन 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, दैट इज़ कोरिएंडर पाउडर, एक छोटा चम्मच, एंड 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, दैट इज़ क्यूमिन पाउडर, एंड 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। ऑल्सो आई हैव एडेड 3 to 4 ग्रीन चिलीज, and adding in 2 teaspoon of turmeric powder, that is haldi powder, 2 chota chamach, and I will nicely stir all of these masalas, and मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा बहुत तेल छोड़ ना दे और अच्छे से पक ना जाए। I will cook until the raw smell of the masalas go away. फर्स्ट सीजनिंग हम एडिंग 2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, और बंगाली छोला दाल में यानी कि चने की दाल में कोकोनट तो जाता ही है, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है ग्रेटेड कोकोनट एंड लिटल बिट ऑफ शुगर टू बैलेंस एवरीथिंग। यहाँ पे मेरा चने का दाल यानी कि छोला दाल बॉयल होकर एकदम रेडी है, अभी बस चौक लगाना बाकी है। तो मैंने जो मसाला बनाया था अलग से, मैं इसको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ बॉयल दाल में, और इसको भी थोड़ा सा पीस लेंगे। मम्मी मुझे हेल्प कर रही है क्योंकि दाल थोड़ा ज़्यादा बॉयल नहीं हुआ था, और इसको मैं अभी छोड़ दूँगी 10 to 15 minutes अच्छे से बॉयल होने के लिए एकदम ढक के। जब ये अच्छे से थिक हो जाए और सारा दाल अच्छे से बॉईल हो जाए, तो मैंने इस पे ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑफ घी, दैट इज़ क्लेरिफाइड बटर। और यहाँ पे पापा ले आए मेरे कुछ ज़रूरत की सामान जो मुझे चाहिए था खाना बनाने के लिए, यहाँ पे ढेर सारा काजू, थैंक यू। हांडी में मैंने चढ़ा दिया है पत्ता गोभी, और इसमें मैं पहले ऐड कर दूंगी सॉल्ट, यह अभी बॉयल होगा, सिंपली बॉयल होगा, और थोड़ा सा हल्दी भी डाल दूंगी। सो आई हैव एडेड हियर 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी, दैट इज़ 1/2 टीस्पून, और इसको मैं अच्छे से स्टर कर लूँगी और इसको छोड़ दूँगी ढक के बॉयल होने के लिए। फिर इसको मैंने छोड़ दिया है बॉयल होने के लिए, अभी मैं जाती हूँ देखती हूँ मम्मी को कुछ चाहिए कि नहीं है। लेट्स गो।
अभी तो बस शाम होने को आया है ऑलमोस्ट। चलो एक बार थोड़ा बाहर जाके देख के आते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखा फोड़ने का आवाज़ आएगा, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजा के दिन सुबह से लेके रात तक लाइक पूरा दिन यहाँ पे पटाखा फोड़ते हर कोई। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ दिवाली हियर आई विल से। अभी हो गया बहुत ज़्यादा फ्रेश हियर, लेना भी चाहती हूँ फिर से वापस काम करने। और यहाँ पे बैठी हम लोग की माँ लक्ष्मी, उनका फेस इतना प्रिटी इतना क्यूट था, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजअप। मैंने पत्ता गोभी का अच्छे से कर लिया है लंच ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मैं इसको अच्छे से बिठा दूंगी। यहाँ पे मैं फ्राई करी हूँ कुछ काजू बादाम यानी कि कैशू नट्स इन रिफाइंड ऑयल, ताकि पत्ता गोभी मैं डाल सकूँ और ये एक अच्छा टेस्ट लाए पत्ता गोभी में। और ये पत्ता गोभी मैं बनाऊंगी एकदम बंगाली स्टाइल में, दैट इज़ बादा गोभी मैं बना रही हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने पहले चढ़ा दिया आलू को फ्राई होने के लिए, ये बेसिकली मैं बना रही हूँ आलू जीरा फ्राई। इससे मैं थोड़ा निकाल के पत्ता गोभी में डाल दूंगी। तो सिंपली फ्राई करी हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर दैट इज़ हल्दी डाल के इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, वो भी ढक के। अब देख सकते हो इसमें मैंने जीरा का छौंक लगाया है। अभी मैं इसको ढक दूँगी जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। एंड लिटरली सॉरी फॉर द मेस बिकॉज बहुत ज़्यादा हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। एंड हियर इज़ ऑलमोस्ट डन। इससे मैं थोड़ा सा सेपरेट करके रख दूँगी पत्ता गोभी के लिए। और यहाँ पे भी मैंने सेम छौंक लगाया दैट आई हैव शोन यू गाइस बिफोर फॉर द चने का दाल। एंड नेक्स्ट आई एम एडिंग द सेम मसालास दैट इज़ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड सेम क्वान्टिटी में मैं काम करती हूँ, लिख देती हूँ। वही सेम एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट भी डाली हूँ इसमें, मसाला बिल्कुल सेम है। और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे, अनटिल द रॉ स्मेल गोज अवे। उसके बाद मैं इसमें जो पत्ता गोभी मैंने ब्लंच करके रखा था अलग से वो पूरा डाल दूंगी इस मसाले में। सीजनिंग आई एम एडिंग इन 1 teaspoon ऑफ टर्मरिक पाउडर दैट इज़ हल्दी पाउडर एंड 2 teaspoon ऑफ सॉल्ट दैट इज नमक। और अभी मीडियम फ्लेम में मैं इसको तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये थोड़ा सा सॉगी ना हो जाए और सारे मसाले के साथ अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। आई विल फ्राई द कैबेज विद द मसालास अंटिल इट बिकम्स सॉगी एंड इट गेट्स वेल ब्लेंडेड विद द मसाला। एंड एज यू कैन सी इट इज़ वेल फ्राइड नाउ। अगर आप पत्ता गोभी को पहले से ब्लंच नहीं कर रहे हो तो आप इस मोमेंट में इसको अच्छे से ढक दीजिए तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल के आप ढक सकते हो। सो वंस डन नाउ आई एम एडिंग द फ्राइड आलू और इसको भी मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और अभी थोड़ा सा ढक के मैं इसको रखूँगी ताकि सारा फ्लेवर्स इन्फ्यूज हो जाए आलू के अंदर भी। लाइक फॉर 5 to 10 minutes आई हैव कवर्ड एंड कुक्ड इन लो मीडियम। एंड लास्टली आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ शुगर, क्योंकि बंगाली पत्ता गोभी यानी कि बाधा गोभी थोड़ा सा मीठा होता है। टू बैलेंस एवरीथिंग आई हैव एडेड 1 teaspoon ऑफ शुगर एंड 1.5 tablespoons ऑफ घी दैट इज़ क्लैरिफाइड बटर विच इज़ मस्ट। और आप लास्ट में भी थोड़ा सा गर्म मसाला डाल सकते हो। And lastly, I'm adding in the fried cashew nuts. और यहाँ पे मेरा लूची यानी कि पूड़ी बनाने का सेटअप बिल्कुल रेडी है। मम्मी ने छोटा छोटा पेड़ा बना के मुझे हेल्प कर दिया है बहुत ज़्यादा। इसको मैंने रोल करके ऐसे पूड़ियाँ तल रही हूँ मैम। तेल पहले ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था तो पहले जो मैं बनाई थी वो ज़्यादा मतलब फुला नहीं था अच्छे से, फुल कुलुची बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। लेकिन बाद में जब ये अच्छे से गर्म हो गया तो यू कैन सी कितना अच्छा फुल कुलुची अभी बन रहा है। लूची को तलने से पहले तेल को अच्छे से गर्म कर ले और उसको भी अब हाई फ्लेम में बनाइए। एंड हियर इज माय ग्रैंडमॉम, मैं उनको अम्मा बुलाती हूँ। हाय टू व्लॉग बोल रहे हैं। हाय टू व्लॉग। देखी तुम्हारा ओटीटी आज के। वाओ सच ए नाइस क्लूटस पैंट। हां ए मामा नके के शादी दिए छे। ओ हगी अच्छा, इसमें है दे बता। अच्छा पर कट कर दो। देखिए शुरू शुरू कथा।
কি বলতে হয়? শিব শম্ভু কি জল? আচ্ছা না কিছু খাইনি उसको सब कुछ पता है पूजा में क्या क्या चाहिए होता है। की कुछ मामा? की कुछ? और यहाँ मेरी जीजू और उनके नेफ्यू बाहर आए पटाखा फोड़ने। दिस इज समथिंग काइंड ऑफ रिचुअल हियर। लक्ष्मी पूजा के दिन हर कोई पटाखा फोड़ता है। और ये देख के सोआ को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसको डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बट आई एम सो स्केयर्ड ऑफ पटाखा। मैं बिल्कुल दूर खड़ी थी और अच्छे से इसको कैप्चर भी नहीं कर पा रही थी। फाइनली आई एम बैक इन माई रूम। सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से, पूजा भी हो गया बहुत अच्छे से। हम लोग सब मिल के बैठ के प्रसाद लिए हैं। एंड अभी आई वॉज जस्ट हेल्पिंग माई मॉम यू नो टू अरेंज ऑल दोज यूटेंसिल्स जो यूज़ हुआ है। एंड कुछ प्रसाद वगैरह बच जो गए वो हम लोग स्टोर कर रहे थे, अच्छे से फ्रिज में रख रहे थे। एंड सो वो लोग भी अपने घर वापस चले गए। घर इतना सोना सोना सा लग रहा है अभी, बट इट्स ओके। नाउ आई विल क्विकली गो चेंज एंड गेट फ्रेशन अप, फिर बैठ के मम्मी के साथ थोड़ी गप्पी मारूंगी। सो येस आई विल कैच यू गाइस लेटर। आई डोंट नो टुडे, मे बी आई विल रैप अप दिस व्लॉग। अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। लेट्स सी, आई विल लेट यू गाइज नो। बाय। Hi guys, today is Saturday, I mean next day. Actually I was vlogging from Thursday, then I did on Friday and today it's Saturday. Basically दो दिन था लक्ष्मी पूजा के लिए। सो कल हम लोग के घर पर हुआ था, जो मैंने पूरा व्लॉग किया है, also I've shared few recipes. और अभी मैं जा रही हूँ दीदी के घर, because आज उनके घर में पूजा है। and I was sorry. Okay, और आज मैं उनके घर पर रुकूँगी। so let's go. अभी जीजू आ रहे हैं मुझे पिकअप करने, so I will quickly go. Okay, so yes, I will catch you guys later and show you what I'm going to do today. And I'm wearing this blue salwar which I absolutely love. This is one of my favorite salwars. So finally I'm here and here is my little nephew and here is my little niece. और उस दिन रात में जीजू ने अरेंज किया था एक पार्टी, बिकॉज लक्ष्मी पूजा के बाद होता है पिकनिक, तो ये मॉडर्न काइंड ऑफ पिकनिक था। एंड हियर माय लव बर्ड्स, माय दीदी एंड जीजू आर डांसिंग, दे आर द सुपर क्यूटेस्ट कपल, नजर ना लगे। हाय गाइस, आई जस्ट थॉट ऑफ रैपिंग अप दिस व्लॉग हियर, बिकॉज नाउ देयर इज नथिंग मच टू शो यू गाइस। ऑल्सो द डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड यस
I will quickly remove the makeup and go to bed because yes, everything is over now, and it was really nice vlogging throughout the day for 3 long days. So yes, stay tuned for more upcoming vlogs and in some more exciting recipes. For that, do not forget to subscribe to my channel, share my videos, also put a thumbs up in this video if you have liked it. Bye bye. 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 Bye bye.